मीरा भाईंदर, शहर में स्ट्रे डॉग्स की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रोज आए दिन जो है स्ट्रे डॉग्स बच्चों को और लोगों को जो है काटते हुए नजर आते हैं। लोग इस समस्या से बहुत भारी मात्रा में परेशान हैं। जब तक 2014 तक हम सत्ता में थे, हमने ये किया था कि डॉग को स्टरलाइजेशन के यूनिट्स तैयार किए गए थे। डॉग्स को पकड़ के ले जाया जाया करता था, उनको स्टरलाइज किया जाया करता था और उनको बाद में शेल्टर हाउसेस में रखा जाता था। पिछले 5 सालों के अंदर ये शेल्टर हाउसेस भी बंद हो गए हैं, स्टरलाइजेशन का भी काम बंद हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने, मेनका गांधी ने कायदा एक पास करवाया था कि स्ट्रे डॉग्स को मारा नहीं जा सकता, उन्हें कहीं दूसरी जगह छोड़ा नहीं जा सकता। इसके चलते हुए ये कायदे की समस्या है कि उन्हें मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ ही में उस कायदे में ये प्रावधान दिया है, प्रोविजन दिया है कि इन्हें पकड़ करके इनको स्टरलाइज करें, ताकि गलती से कभी इन्होंने इंसान को काट वगैरह लिया तो लोगों को जो है रैबीज या बाकी की दिक्कत पेश ना आए, और उसी के साथ में इनको शेल्टर हाउसेस बनाया जाए। उस कायदे को परस्यू और एग्जीक्यूशन हमने किया था, मगर 5 सालों के अंदर महापालिका के अंदर स्टरलाइजेशन का काम बंद है, ये शेल्टर हाउसेस बंद है और पूरे शहर में एक मैनेस, एक हैवॉक बन चुका है। रोज जो है कई बच्चों को और लोगों को स्ट्रे डॉग्स काटते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस शेल्टर हाउसेस को, स्टरलाइजेशन सेंटर्स को फिर से एक बार शुरू करें और इस शहर में से जो स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है उसको हम ख़त्म करें।